चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। सड़कें मानव जीवन में क्या महत्व रखती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। किसी शहर अथवा स्थान पर कितना विकास हुआ है और वह स्थान किस स्तर का है, इसका अंदाजा बाहर से आने वाला व्यक्ति केवल सड़कों को देखकर ही लगा सकता है। आज एक ऐसी ही सड़क का सफर तय करके मैं और आप बिजनौर जिले को विकास की तराजू में तोलने वाले हैं। बिजनौर जिले के धामपुर से नगीना तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 का सफर। धामपुर शहर में नगीना चौक से नगीना की ओर बढ़ते हुए मुख्य आबादी क्षेत्र को पार करने के बाद पूर्व दिशा में शेरकोट की ओर से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई पड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74। हरिद्वार को वाया नजीबाबाद, धामपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, बरेली से जोड़ने वाला राजमार्ग। इस मार्ग का निर्माण 4 लेन में RCC द्वारा किया गया है। यह मार्ग बिजनौर जनपद से निकलने वाला पहला 4 लेन हाईवे है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से बिजनौर जनपद के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के भागुवाला से प्रवेश करके मडावली, नजीबाबाद, कोतवाली, नगीना, धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़ एवं रेहड़ होते हुए ऊधम सिंह नगर जनपद में प्रवेश करता है। बिजनौर जनपद में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सफर लगभग 105 किलोमीटर का है। धामपुर से नगीना के मध्य फैली चारों ओर हरियाली सड़क पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराती है। धामपुर से नगीना की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है, जिसे राजमार्ग के निर्माण से पहले पूरा करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूर्ण होने के बाद अब इस मार्ग पर केवल 15 मिनट में धामपुर से नगीना और नगीना से धामपुर पहुँचा जा सकता है। यह स्थान है पुरैनी। नगीना से धामपुर के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला गाँव है। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या लगभग 8,000 की है। पुरैनी में एक मुख्य बाजार एवं रेलवे स्टेशन भी स्थापित है, जहां अनेकों रेलगाड़ियों का ठहराव स्थापित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पुरैनी से नगीना के मध्य बने टोल प्लाजा को भी चालू कर दिया जाएगा। पुरैनी के बाद प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम सीमा पर पहुँच जाता है। मोड़ खाता बलखाता राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी कलाकृतियों से प्रत्येक व्यक्ति का मन मोहित कर लेता है। नगीना से धामपुर के मध्य लगने वाला टोल प्लाजा इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजनौर जनपद का एकमात्र टोल प्लाजा होगा। इसके अलावा एक टोल प्लाजा हरिद्वार से भागुवाला के मध्य व एक टोल प्लाजा काशीपुर से जसपुर के मध्य निर्माणाधीन है। नगीना बाईपास का निर्माण कार्य भी अब अपने अंतिम चरण में है। नगीना शहर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले धामपुर चुंगी दिखाई पड़ती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग नगीना के विश्नोई सराय में प्रवेश करता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला मार्ग नेहडौर चौराहा, महाराणा प्रताप चौक, रेलवे स्टेशन चौक होकर गुजरता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धामपुर से नगीना तक का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 का यह सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो धामपुर एवं नगीना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।